जनाब अली, सवाल ये था कि आज व्लॉग किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि आज बस हमने घर वापस जाना है, कुछ हाथ स्पेशल नहीं करना। लेकिन फिर मैंने सोचा कि व्लॉग कर ही लेना चाहिए, छुट्टी है काम से तो कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए, तो घर जाके फिर व्लॉग और करेंगे। लेकिन फिलहाल हम अभी अभी सुबह उठे हैं, नाश्ता करने का कोई मूड नहीं, क्योंकि रात को हमने देर से खाना खाया था और फिर बाद में बैठ के मैंने बहुत चॉकलेट भी खाई थी, तो अब बिल्कुल मूड नहीं नाश्ते का। बस तैयार होते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। इस वक्त बज रहे हैं 9:30, से पहले चेकआउट करना है, तो अभी हम जल्दी से तैयार होते हैं। आपको वेलकम है एक न्यू व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। तो जी, अब हम तैयार हैं जाने के लिए, और अबू बकर का भी मुझे नहीं पता, उसको चेक करते हैं ना, वो भी बेड पे लेट के आराम से टिकटॉक्स देख रहा हूँ, तो उसको चेक करते हैं कि अगर वो तैयार है तो फिर हम निकलें आस्ता आस्ता घर की तरफ चलें। आज जो है मौसम भी ठीक है, मतलब सर्दी नहीं है आज। आज मुसलमान हो गए? ओके, तैयार है? ओके ठीक है, 10 मिनट तक नीचे आ जाना फिर, ठीक है। बड़ी बात है जी, वो आराम से सो नहीं रहा बल्कि तैयार भी हो गया, वाह इम्प्रेसिव। तो अभी हम जरा नीचे जाके देखते हैं, फिर हो सकता है थोड़ी काफ़ी शाफी पी लें उधर, तो फिर निकलते हैं। ये था जी हमारा कमरा। तो ये है जी अबू बकर, सुबह सुबह आपको ऐसे नज़र आता है, अच्छे मूड में नहीं होता। बकर कैसे ही रह रहा था आपकी? ठीक थी। आवाज़ ही नहीं बेचारे की निकली, भूख लग रही है। ये फिसलन की देखें हालत ज़रा, इस वक्त सही आइस बनी हुई है, पर क्योंकि उन्होंने बजरी डाली हुई है तो बचत हो जाती है, आप थोड़ा बहुत चल सकते हैं, वरना मैं तो मेरी हिम्मत नहीं होती, मुझे तो बहुत डर लगता है भाई गिरने से और अपनी टांगे बाजू तड़वाने से, तो मैं तो नहीं चलता जब तक नीचे वो ना होते हैं कांटे से, वो लगा लेता हूँ जूतों के नीचे, वो लगाने वाले जो होते हैं वो लगा के फिर चल सकता। वैसे नहीं, आज नहीं वैसे मैंने लगाया, क्योंकि बजरी सही उन्होंने डाली हुई है। हम मुसाफिर जा रहे हैं, अब यहाँ से हमने लेनी है बस। ये था जी हमारा होटल, और आज मौसम जो है बहुत अच्छा हो गया, इस वक्त धूप निकली हुई है, सर्दी भी ज़्यादा नहीं है, तो मज़ा आ रहा है। एक्चुअली हम काफ़ी गर्मी से निकले, क्योंकि होटल में काफ़ी गर्मी थी, हम उन्होंने ज़्यादा हीटर लगाए हुए थे, तो अभी हम बाहर निकले तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है, ठंडी ठंडी ना हवा चल रही है। ओए क्या तेरी सिंगिंग है यार, मैं तो बड़ा इंप्रेस हो गया। पर इसके साथ हमारी बस भी पहुँच चुकी है, वो मोड़ मुड़ के बस आ रही है हमारे पास। यार हम तो ओस्लो एयरपोर्ट पहुंच गए, बकर कहीं हम जा रहे हैं वेकेशन पे? ये फीलिंग आनी शुरू हो गई कि हम कहीं जा रहे हैं, तो अभी हम एयरपोर्ट एक्चुअली आए हैं बस स्टेशन से ट्रेन लेने, तो फीलिंग ये आ रही थी कि अभी निकल जाए कहीं वेकेशन पे, इसका मतलब ये कि हमारा दिल जा रहा है वेकेशन पे जाने को, तो हो सकता है हम चले भी जाएँ कहीं जल्दी। यहाँ से ट्रेन हमें पहुँचाएगी ले लेते हैं। और जी इसके साथ हमारी ट्रेन की आमद हो चुकी है, और तो पूरी ट्रेन में हम दो ही होंगे फूलों वाली सरकार, क्योंकि हम प्यार बांटते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ बांटते रहते हो। हमारे साथ तो कभी इसने प्यार नहीं बांटा, पता नहीं कहाँ कहाँ बांट आता है, पता नहीं बांट आता है ना, तो हमारे लिए इसके पास रहता नहीं है। और जी इसके साथ हम लीलेश्वरम पहुँच गए हैं, रोशन और खूबसूरत दिन के साथ, और हम इधर पहुँचे और बकर कह रहा है कि नाश्ता करना है, कहता है घर में क्या मिलेगा, घर में हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा। मैंने कहा घर में मोहब्बतें मिलेंगी, कहते हैं मुझे नहीं मिलेंगी आपको मिलेंगी। बकर ये क्या बात हुई, आपको मोहब्बतें नहीं मिलती घर में? नहीं, हमने कोई आपको ऐसे ही तो नहीं उठा के कहीं रूढ़ी से पाला हुआ। तो अभी बकर अभी मुझे नाश्ता करवाएगा पता नहीं कहाँ से। तो हम पहुँचे हैं जी फीके नपे लिस्त्रो, तो अभी पता नहीं क्या बकर खिलाता है हमें, इस वक्त तो कोई लंच वाली डिश ही होगी। इसके साथ हमारा लंच पहुँच चुका है, अब हम करते हैं स्टार्ट। क्यों बकर साहब, भूख लगी वैसे? ज़ाहिर है खाया के हमने, वो आपने वो दो खाए थे काफ़ी के साथ या रेड बुल के साथ, लेकिन ये हो गए तनु, मैं तो मुझे एक्चुअली कोई नहीं भूख लग रही, मैंने एक खाया था। छाड़ दे तू का ऑर्डर चल, नहीं नहीं और खाना था, नहीं तो बस दिल करवाया है तो ऑर्डर कितना हम तो खाना पड़ेगा। वैसे भी आप तो फ्री में मेरा आप तो खाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूँ अगर आप यहाँ कभी खाना चाहते हैं तो इनके एक्चुअली दो रेस्टोरेंट हैं, एक है पीकने पो थर में, वो हलाल नहीं है, लेकिन जो पीकने पर यह नहीं है ना, ये हाँ ये हलाल है। तो अभी हम ऐसे फील हो रहे हैं जैसे पता नहीं कितने दिनों बाद हम घर जा रहे हैं, और हम ऑलरेडी अपने घर वालों को मिस कर रहे हैं यार। ये शख्स जो है ये बहुत सख्त दिल का मालिक है, ये किसी को मिस नहीं करता। क्यों मैं क्यों नहीं कर रहा? आप खुद कह रहे हो मैं किसी को मिस नहीं कर रहा। आयरा लेना, किसको मिस कर रहे हो सबसे ज़्यादा? आयरा लेना को, अम्मी को। अच्छा, तो आप पोलिटिकल बयान शुरू हो गए हैं? नहीं, और घर वालों के लिए हमने डोनट्स वगैरह भी ले लिए। अब वक्त ये सारा इलाका बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसा हम छोड़ के गए थे, कुछ चेंज नहीं किया उन्होंने अभी तक, ऐसे ही फील होता है कि वैसे ही। ओए इधर तो बहुत ज़्यादा फिसलन, ओए होए होए होए, अगर मैं भी गिर गया ना इधर तो आप लोगों पे मैंने बिल फाड़ना फिर। अब सोचो कि इस घर में जिन्होंने जाना उनका क्या हशर होगा, इतनी ज़्यादा आई से। होम स्वीट होम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओए होए लीना, बहुत सोने कपड़े पहने आपने तो।
रानी से देख रही है कैमरे को। ये क्या कर रहे हैं छुप के आप लोग हैं? यार अभी हम घर पहुंचे हैं और घर तो बिल्कुल वैसे का वैसा जैसा हम छोड़ के गए थे, कोई खास चेंजिंग नजर नहीं आ रही। यार क्या किया आप लोगों ने? आप 24 घंटे बाद ही वापस आए हैं। हाँ अच्छा, फील ऐसे हो रहा है ना 24 दिनों बाद आए हैं। तो ना कैसे हो? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। आयरा को फूल मिल गया, इसी में खुश है वो। है डोनट्स नहीं खाएगी फिर वो, डोनट्स खाएंगी मैडम। चलो जी, एक दिन का सामान था निकाल लिया, जरा इजी हो गया। वैसे ये जो बैग है जो मैं लेके गया था, यस्मीन का बैग है वो, जो रोज अपने काम पे लेके जाती है ना, तो वो मैंने कहा मुझे जरा दो, एक दिन के लिए मैंने जाना, मैं जरा उधार में चलता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ छोटा बैग नहीं था, वो बड़े बड़े वाले बैग थे, तो एक दिन के लिए जाना तो ज्यादा चीजें नहीं थी, तो मैंने कहा ये छोटा बैग ठीक रहेगा। तो घर पहुंचा तो ये मेरा एक पैकेज भी आया हुआ था, इसमें एक्चुअली रमजान की कुछ चीजें हैं, क्योंकि हम सोच रहे थे कि इस दफा ना रमजान कॉर्नर बनाए हम भी। अब पता नहीं कैसा बनता, क्योंकि हमने पहले कभी बनाया नहीं, लेकिन हम सोच रहे थे कुछ चीजें ना ऐसे अच्छी प्यारी सी रमजान के हवाले से सजा के, तो फिर थोड़ा एक कॉर्नर सा बन जाए रमजान के लिए, जो पूरा महीना सजा रहेगा, तो अच्छी वाइब्स इंशाल्लाह आएंगी रमजान की। अच्छा, तो इधर मेरे खिलाफ हो रही है बातें, मैं सुन रहा हूँ बकर साहब, जो आप लोगों को भड़का रहे हो ना मेरे खिलाफ। मैं इधर अपने कमरे में सुन रहा हूँ कि ये कह रहा है कि जो मंसूर है उधर वहाँ वो लड़कियों को क्या कैसे बातें कर रहा था, क्या छेड़ रहा था, क्या क्या मतलब क्या क्या बातें मेरे खिलाफ कर रहा है। लेकिन आप में से किसी ने यकीन तो नहीं किया होगा ना, क्योंकि आपको पता है मैं मतलब शराफत का मुजस्मा हूँ। किस कुड़ी का? सोबा अस्तफर अपनी। ओ बंद बंद कैमरा बंद। ये बकर अपनी तरफ से बातें छोड़ता रहता है, वरना मैं मतलब ऐसी कभी हरकतें नहीं करता, मैं बहुत शरीफ बंदा हूँ। आयरा इस वक्त नमाज पढ़ रही है अम्मी के साथ, अम्मी इमामत करवा रहे हैं और आयरा पीछे अभी चाय के साथ हम खोंसेंगे ये सब कुछ। और बकर कह रहा था घर में खाने को कुछ नहीं है। बकर लोग भी कहेंगे कितना ज्यादा खोंसते हैं, पर हम तो खोंसेंगे भाई, हमारा अपना पेट है, हम तो खोंसेंगे। पर यहाँ मैडम के स्टाइल देखे कैसे ना बैठ के आराम से मजे से खाया पिया जा रहे हैं दुपट्टा लेके। लाइला पढ़ चुकी हो आप? आप किधर जा रही हो? और लाइला पढ़ने के थी, और लाइला अभी टाइम नहीं हो, जब दादो पढ़ेंगे फिर आप दोबारा साथ पढ़ लेना, ठीक है? तो बेसिकली जब से घर आए हम, मैं बिल्कुल सही सुस्त हो गया हूँ यार, मतलब मुझे ऐसी नींद आ रही थी, मैं बस चाय पी है और उसी सोफे पे बैठा हूँ तब से, और शाम हो गई अब एक्चुअली। तो रात को इसलिए नींद सही नहीं आई थी क्योंकि ज़रा नई जगह होती है, और सराहना मैंने आपको पहले भी एक ब्लॉग में बताया था कि मुझे सख्त सराहने पर सोने की आदत है, वो जो होटल के सराहने होते हैं वो बहुत 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 नरम किस्म के होते हैं, तो मुझे सही से नींद नहीं आती, तो नींद थोड़ी ज़रा ना पूरी नहीं हुई, तो इंशाल्लाह आज सही सोएंगे आराम से अपने कमरे में इंशाल्लाह। लेकिन ये चेक करें ज़रा, ये जो हमारे पड़ोसी हैं इनके घर के सामने कितनी ज़्यादा फिसलन बनी हुई है, कितनी ज्यादा आइस ऐसे बन गई है, बर्फ हमारे टेरेस से भी काफी हद तक पिघल चुकी है। तो मुझे पता आज का व्लॉग एक्चुअली काफी छोटा सा है, लेकिन अब मुझे लगता है खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि मैं मतलब अभी काफी सुस्ती फील कर रहा हूँ, तो आराम ही करते हैं अभी, जाहिर है थोड़ी देर तक फिर खाना शाना हो गया, कुछ खास स्पेशल नहीं हो रहा, तो आज का व्लॉग यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये हमारी छोटी मोटी जो भी एफर्ट होती है अगर आपको पसंद आती है, तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और आप सबके ताब इनका बहुत बहुत शुक्रिया, 7,500 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम बहुत जल्द और ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे। अगर आप लोगों का तावन, आप लोगों की मोहब्बत इसी तरह जारी रहे, बहुत खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, जीते रहे, दूसरों को भी जीने दे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले किसी ब्लॉग में कोई एक सरप्राइज भी आने वाला है। ख्याल रखिए अपना, खुदा हाफिज़।